देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी एक मजबूत बेबाक औरत जिन्हें राजनीति विरासत में मिली थी। जवाहरलाल नेहरू की इकलौती बेटी और महात्मा गांधी की चहेती इंदिरा का जीवन काफी उतार चढ़ाव से भरा रहा। इनके जीवन के पन्नों में ऐसी कई कहानियां हैं जो अनकहीं और अनसुनी सी हैं। उन्हीं कहानियों में से आज हम बात करेंगे उस कहानी के बारे में जो काफी हैरान कर देने वाला है। आज बात होगी इंदिरा गांधी के बड़े बेटे और उनकी पत्नी के बारे में, मेनका गांधी के बारे में, गांधी परिवार की छोटी बहू के बारे में। ऐसा कहा जाता है कि मेनका गांधी को इंदिरा गांधी ने रात के 12 बजे घर से बाहर निकाल दिया था, वो भी उनके बच्चे के साथ। क्या सच में ऐसा हुआ था? अगर यह सच है तो आखिर इंदिरा गांधी ने ऐसा कदम क्यों उठाया? संजय गांधी के इस दुनिया से चले जाने के बाद उनकी विधवा पत्नी को और उनके छोटे बच्चे को घर से निकालने की नौबत क्यों आई? तो आखिर क्या हुआ था उस रात? चलिए उस रात के कुछ पन्नों को पलटते हैं, उससे पहले मेनका और संजय के बारे में कुछ जानते हैं। कांग्रेस पार्टी का रुतबा, जवाहरलाल नेहरू का नाम और इंदिरा गांधी की छत्रछाया में संजय गांधी की परवरिश कुछ ऐसी हुई थी जैसे कि पूरी दुनिया उनके मुट्ठी में हो, और उनका एटीट्यूड भी कुछ ऐसा ही था। ऐसा कहते हैं कि संजय गांधी प्रगतिशीलता के समर्थक थे। वो भारत को डेवलप करने के लिए शाम, दाम, दंड, भेद सब कुछ अपनाना चाहते थे। ऐसा भी कहा जाता है कि उनको एक डिक्टेटर के तौर पे देखा जाता था। संजय गांधी देश को लंदन बनाना चाहते थे, और उनकी यह जिद कह लीजिए या फिर सपना कि वो देश के सड़कों पर सस्ती कारें चलाना चाहते थे, जिसके लिए उनकी मां ने उनका पुरजोर समर्थन भी किया था। खैर, लंदन से आने के बाद उनकी एक और छवि बन गई थी। उन्हें आशिक मिजाज के तौर पे देखा जाने लगा था, क्योंकि उन दिनों उनके दो प्रेम प्रसंग काफ़ी चर्चे में थे, जिसमें से एक मुसलमान लड़की के साथ था और एक जर्मन महिला के साथ। ऐसा कहा जाता है कि ऐसे कई प्रेम प्रसंग थे जो अनकहे से हैं। लेकिन इस आशिक मिजाजी को लगाम लग ही गई। ये बात उन दिनों की है जब संजय गांधी 27 साल के थे। एक दिन वो अपने दोस्त की शादी में गए थे। वहीं पर संजय की मुलाकात पहली बार मेनका गांधी से हुई। दुबली पतली लंबे बालों वाली और बेहद खूबसूरत मेनका को देखते ही संजय का दिल उन पर आ गया। उस वक्त मेनका बस 17 साल की थी और मॉडलिंग करती थी। उन्होंने काफी मॉडलिंग खिताब भी जीत रखे थे, लेकिन वो एक पत्रकार बनना चाहती थी। लेकिन संजय से मिलने के बाद उनकी नजदीकियां बढ़ने लगी और धीरे धीरे प्यार परवान चढ़ने लगा। साल 1974 में संजय गांधी ने मेनका को अपने घर यानी कि एक सफरतगंज रोड पर खाने पे बुलाया। मेनका भारत की प्रधानमंत्री से पहली बार मिल रही थी। वो काफ़ी डरी हुई थी। वो नहीं जानती थी कि उन्हें क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना। खाना खाते समय इंदिरा गांधी ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि क्योंकि संजय ने मुझे तुम्हारे बारे में कुछ नहीं बताया, इसलिए बेहतर होगा कि तुम खुद अपने बारे में कुछ मुझे बता दो। कहा जाता है कि इंदिरा गांधी कभी से नहीं चाहती थी कि वो अपने बेटों को शादी के लिए किसी लड़की से मिलवाए। अपने बड़े बेटे की तरह वो चाहती थी उनके छोटे बेटे भी अपने पसंद की लड़की से शादी कर ले। क्योंकि मेनका संजय को पसंद थी, इसलिए ना करने की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी को मेनका का फैमिली बैकग्राउंड पसंद नहीं आया था। 29 जुलाई 1974 को मेनका और संजय गांधी ने दोनों परिवारों की मौजूदगी में प्रधानमंत्री निवास पर सगाई कर ली। लेकिन संजय मेनका का साथ ज़्यादा दिन तक नहीं निभा सके। 1980 में एक विमान दुर्घटना में उनका निधन हो गया। यह भारत के इतिहास की ऐसी घटना है जिसने देश की राजनीति के सारे समीकरणों को बदल के रख दिया। खैर, राजनीति समीकरण पे हम कभी और बात करेंगे। अभी तो बात करेंगे संजय गांधी के मौत के बाद गांधी परिवार में आई उस खटास की। इंदिरा गांधी के बदलते व्यवहार की, मेनका गांधी के अकेलेपन के बाद बेघर होने की। संजय गांधी के मृत्यु के करीब 22 महीने बाद गांधी परिवार में एक ऐसी दरार आई जो आज तक भर नहीं पाई। यूं तो पहले से ही मेनका गांधी को इंदिरा गांधी कुछ खास पसंद नहीं करती थी, और यह दोनों ही ठहरी महत्वाकांक्षी औरतें, तो दोनों के बीच पटरी नहीं बैठती थी। वहीं घर में सोनिया गांधी को ज़्यादा तवज्जो दी जाती थी, जिसकी वजह से अकेली मेनका को थोड़ा दबा दबा महसूस होता था। 1982 के मार्च के महीने में इंदिरा गांधी ब्रिटेन के दौरे पर गई थी। उसी समय मेनका गांधी संजय विचार मंच की स्थापना और उद्घाटन के लिए लखनऊ गई। इंदिरा गांधी ब्रिटेन के दौरे से मार्च 28, 1982 को लौट के घर आई। घर पे उनके तीनों बच्चे उनका बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, मतलब कि राहुल, प्रियंका और वरुण। वह घर आकर सबसे मिली, लेकिन मेनका जब उनके पास आई तो उन्होंने बोला, मैं तुमसे बाद में बात करूँगी।
दरअसल उन्होंने अंग्रेजी में यह कहा था, आई विल टॉक टू यू लेटर। उसके बाद फैमिली लंच के लिए भी मेनका को मना कर दिया गया था, उनके कमरे में खाना भिजवा दिया गया था। दरअसल इंदिरा गांधी को मेनका गांधी का संजय विचार मंच पे जाना पसंद नहीं आया था। संजय विचार मंच में भ्रष्टाचार के खिलाफ कांग्रेस के युवा नेताओं का सम्मेलन था और वहाँ मेनका गांधी ने भाषण भी दिया था। वैसे उस मंच पर जाना और भाषण देना इंदिरा गांधी को पसंद नहीं आया था, उन्होंने पहले ही इसके लिए उन्हें मना कर दिया था। एक वरिष्ठ पत्रकार और लेखक खुशवंत सिंह ने अपने किताब में यह लिखा है कि इंदिरा गांधी ने मेनका गांधी से बात करने से पहले धवन और धीरेन्द्र ब्रह्मचारी को पहले ही बुला लिया था। धवन श्रीमती गांधी के सेक्रेटरी थे और धीरेन्द्र ब्रह्मचारी उनके योग और आध्यात्मिक गुरु। उन्होंने इन दोनों को पहले इसलिए बुला लिया था ताकि वो मेनका से जो कुछ भी कहे वो दोनों उसके साक्षी रहें। और फिर इंदिरा गांधी ने अपनी उंगली मेनका की तरफ बढ़ाते हुए कहा, तुम वाहियात टिन्नी सी झूठी, तुम धोखेबाज, तुम इस घर से अभी के अभी निकल जाओ। मेनका ने पूछा, मैंने ऐसा क्या कर दिया है? श्रीमती गांधी वापस चिल्लाई, तुमने जो भाषण दिया उसका एक एक शब्द मालूम है मुझे। मेनका ने जवाब दिया, वह तो आपको पहले ही दिखा दिया गया था। इस जवाब पर एक और विस्फोट हुआ। फिर मेनका ने कहा कि वह अपनी माँ के घर नहीं जाना चाहती, उन्हें अपना सामान बांधने के लिए वक्त चाहिए। तो इंदिरा गांधी ने तल्ख स्वर में कहा, तुम वहीं जाओगी जहाँ तुम्हें भेजा जाएगा, तुम्हारी चीजें तुम्हारे पास बाद में भेज दी जाएंगी। फिर इंदिरा गांधी मेनका गांधी के कमरे में तीसरी बार गई, उनके साथ धीरेन्द्र ब्रह्मचारी भी थे। श्रीमती गांधी ने धीरेन्द्र ब्रह्मचारी को मेनका के सामान की तलाशी लेने के लिए बोला। इसी बीच मेनका गुस्से में आकर बोली कि अब जो होगा बाहर होगा। उसके बाद प्रधानमंत्री निवास के बाहर मेनका के ट्रंक की तलाशी ली गई, वहां मौजूद पत्रकारों ने उसकी तस्वीरें भी निकाली। उसके बाद मेनका अपने एक कुत्ते और 2 साल के बच्चे के साथ वहां से हमेशा के लिए चली गई और देश के सबसे बड़े परिवार में ऐसी खटास आई जो आज तक भर नहीं पाई और वो कभी दुख या सुख में कभी साथ नहीं दिखे।